देखिए योगी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनो, ठीक है ना। अब आप ही बताओ, ये अमित शाह जी भंडारा करा रहे हैं, ये भंडारा जरा देखो, इस भंडारे में जो खाना है, खाने में इतना ज़्यादा नमक है, इतना ज़्यादा नमक है कि सारा ये मुँह में बिल्कुल पड़ ही नहीं रहा है। और ये जलेबी है, जलेबी में तो बिल्कुल चीनी ही नहीं है। बताओ, जब अच्छे से भंडारा नहीं कराना था तो काहे के लिए भंडारा कराए, नहीं कराना चाहिए था। बताओ, ऐसे ऐसे भंडारा अगर आप लोग कराओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। साला, इससे अच्छा तो भंडारा लालू जी कराए थे, कम से कम सबके पत्तल में चावल दाल तो अवेलेबल था। अरे केजरीवाल जी, आप बिल्कुल चुप रहो आप यार, ये कैसी बातें कर रहे हो। खाने तो हमारे पास भी रखा हुआ है, इसमें तो बिल्कुल नमक कम है ही नहीं है, हमारे तो बिल्कुल अच्छा है खाना। और जलेबी भी देखो, ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। और तुम हो जो कह रहे हो कि इसमें नमक ही नहीं है और जलेबी में चीनी ही नहीं है, एक तो तुम लोग फ्री को खाने के लिए चले आते हो, ऊपर से 50 नुस्खा निकालते हो कि ये नहीं है वो नहीं है। देखो तो ये कितने अच्छे से ये अखिलेश और राहुल खा रहे हैं, चलो इनसे पूछते हैं। राहुल, तुम बताओ तो कैसी खाना बनी हुई है ये अमित शाह की। अरे योगी जी, ये कैसी बातें कह रहे हो आप, ये कैसी बातें कर रहे हो हैं। ये केजरीवाल जी जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस खिचड़ी में तो इतना नमक डाला हुआ है, लग रहा है पूरी बोरी के बोरी ही उझिल दिया गया है इस खिचड़ी में। हैं, बताओ इतना कोई नमक डालता है। मेहमान को बुला करके और ऐसे खाना खिलाया जाता है। ऐसे भंडारा तो कराना ही नहीं चाहिए अमित शाह जी को, जब ऐसे खाना खिलाना था तो। अब कैसे कैसे करके तो हम और अखिलेश खा रहे हैं, लेकिन साला मुंह में जा ही नहीं रहा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब क्या करें, हम लोग मिला हुआ है तो खा रहे हैं। अखिलेश, ये मेरी और केजरीवाल जी की बातें नहीं मान रहे हैं योगी जी, जरा तुम ही बता दो, तुम ही बता दो कितना नमक है इसमें, तब मानेंगे ये शायद। हाँ योगी जी, ये जो राहुल और केजरीवाल जी कह रहे हैं ना, बिल्कुल सत्य बातें कह रहे हैं। इस खिचड़ी में बहुत ज़्यादा नमक है जी, बिल्कुल मुंह में नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम लोग क्या, अब मजबूरन हम लोगों को खाना पड़ रहा है कि अब दूसरों के द्वार पर आए हैं और यहाँ ज़्यादा नुकसान निकालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा उनको भी, इसलिए खा रहे हैं हम लोग। भाई लोग, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।